हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सक्सेस मंच के एक नए वीडियो के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। जी हाँ, हमें बड़ी ही टेंशन होती है कि कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस। अब तो मेंस में वैसे ही सब्जेक्टिव हो गया है, तो GS 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स, हिंदी, एसे, सबको प्रॉपर टाइम देना है क्योंकि मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। और जो इजी सब्जेक्ट है उसको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत सारे पॉइंट्स का, बहुत सारे मार्क्स का लॉस हो जाएगा। तो अब मैं हाज़िर हूँ आपके साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए जो मुझे हेल्प करते हैं अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करने में, अपने डे टाइम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके स्टडी करने में। ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ वो वर्किंग और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिपेयर करते करते हम अब कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं। मेरी ही तरह मैं भी जॉब के साथ प्रिपेयर करती हूँ और मेंस लिख चुकी हूँ, 3 मेंस मैं अब तक लिख चुकी हूँ और आशा है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से आप स्टडी को, अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर की तरह नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज वे में, इजी वे में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आप अपने डेज को मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, सबके पास 24 आवर्स रहते हैं, सबको पता है, बट उन 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है वही इम्पॉर्टेंट है। अपने पर्सनल जो चीज़ें हैं जैसे खाना सोना, उन सबको दरकिनार नहीं कीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए शेड्यूल करना अपने टाइम को बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कर सकते हैं कि इवन और ऑड डेज रख सकते हैं, जैसे मंडे इवन डे हुआ, वेडनेसडे इवन, फ्राइडे इवन एंड संडे इवन, एंड ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आपका ऑड डे हो गया। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, एसे, हिंदी, करंट अफेयर्स डेली रखिए, उन सबको इवन ऑड में 3-3 सब्जेक्ट्स ऐसे डिवाइड कर लीजिए GS 1, 2, 3 के हिसाब से। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मंडे GS 1 करेंगे, ट्यूसडे GS 2, वेडनेसडे GS 3, थर्सडे GS 4 और उसके बाद फ्राइडे को आप एक ओपन डे, मैं ज़्यादातर फ्राइडे को ओपन डे रखती हूँ जिसमें जो चीज़ें पूरे वीक की फिनिश नहीं हो पाई हैं वो मैं फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, मैं ओपन रखती हूँ फ्राइडे को। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी डे आप ओपन डे के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी जो पूरे वीक की जो शेड्यूल है अगर वो फिनिश नहीं हुआ है तो आप उसको फिनिश कर सकते हैं। और डोंट स्विच ऑन और ऑफ, आप एक शेड्यूल रखिए GS 1 मंडे, GS 2 ट्यूसडे, उस तरह से आपको जो सूट करता है, या सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं आप। GS 1 में मोटा मोटा तौर पर क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आप अलग साइड रख लीजिए, जैसे GS 1 में हिस्ट्री है तो आप उसको साइड रख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर है साइड रख लीजिए, इसी तरह से अलग अलग पेपर्स में किसी में पॉलिटी है, किसी में इकोनॉमिक्स है, किसी में साइंस टेक्नोलॉजी है। तो इस मोटे मोटे सब्जेक्ट्स को आप GS 1, 2, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से आप उसको डिवाइड कीजिए और ऐसा कर सकते हैं आप। अगर पर्सनली मेरा क्या रहता है शेड्यूल वो जानना चाहते हो आप, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं सब्जेक्ट वाइज मैंने मंडे टू संडे को कैसे डिवाइड किया हुआ है। और हाँ, एक दिन मैं अपने लिए भी रखती हूँ टाइम फॉर माई सेल्फ, तो वो मेरा सैटरडे के दिन रहता है, सैटरडे बिकॉज आई एम वर्किंग, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो सैटरडे को मेरे लिए, मैं अपने लिए भी दिन रखती हूँ। साथ ही पढ़ाई तो रहती ही है, सिलेबस तो रहता ही है शेड्यूल में, बट अपने लिए 1-2 घंटे निकालना भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मेडिटेशन बहुत 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 रिलैक्सिंग पावर देता है, तो और पढ़ाई के बीच में मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करने से आपको एक फोकस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है और एक स्टेबिलिटी का एहसास होता है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए मेडिटेशन करना, जस्ट बी रिलैक्स, क्लोज योर आइज, और आपको अगर टेक्निक जाननी है मेडिटेशन की, व्हाट आई अप्लाई देन आई कैन शेयर इट विद यू, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो।
Next, I will share some tools which I use on the online or offline both. तो एक कैलेंडर है, एक तो ये आप कर सकते हैं कि सामने एक कैलेंडर रखिए, एक बड़ा वाला जो कैलेंडर होता है, जो पेपर वाला, जो वॉल कैलेंडर होता है, उस वॉल कैलेंडर पे आपके मंथ का पूरा होता है, 1st to 31st or 30 जो भी मंथ है, तो उस पे आप छोटा छोटा लिख सकते हैं कि फर्स्ट को आपको ये कंप्लीट नहीं, या अपने टारगेट्स लिख सकते हैं, जैसे कि 15th of November आई विल फिनिश हिंदी सब्जेक्ट। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स का एक टारगेट वाला फिक्स आप अपने कैलेंडर को सामने रख के कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके सामने रहेगा तो वो आपको रिमाइंड भी कराता रहेगा। एक होता है UPPCS टारगेट पेज, मैंने बना रखा है UPPCS टारगेट पेज, वो मैं आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ, और ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप जस्ट कमेंट कीजिए मुझे अपना ईमेल आईडी, आई विल शेयर द PDF फॉर्म विद यू, यू कैन प्रिंट इट डाउन एंड यू कैन राइट योर गोल्स ऑन दिस UPPCS और UPPSC टारगेट 2018। इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे पहले मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे कंप्लीट करना है GS1 का 1, 2, 3, 4, 5, ये 4-5 पॉइंट मुझे फिनिश करने हैं। उसके बाद वाई, क्यों फिनिश करने हैं, बिकॉज दिस इज माय टारगेट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और टू बिकम अ ऑफिसर ऑफ स्टेट सर्विसेज। तो ये हो सकता है क्यों आप इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले लक्ष्य, फिर क्यों आपको वो लक्ष्य पूरा करना है, फिर बाय व्हेन, यानी आप कब तक वो लक्ष्य पूरा करेंगे। तो मैं उसको रखती हूँ मान लो 30 नवंबर तक मुझे फिनिश करना है पहले से पांचवें तक का पॉइंट GS1 का, तो ये मेरी डेडलाइन हो गई। अब मैं स्मॉल स्टेप्स में अपने इस लक्ष्य को डिवाइड करूँगी। तो सबसे पहले आई कैन राइट कि जो चीज़ें मैं इस गोल को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर सकती हूँ, वो मुझे खुद प्लान करना होगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग आई विल राइट पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है GS1 का, उसमें लिखा कि मुझे पॉइंट 1 को आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है, पार्ट 1 जो है, उसको मुझे फिनिश करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा उसके 10 पेजेस मैं पढ़ूंगी, देन उसी के हिसाब से उसके 20 पेजेस मैं पढ़ूंगी, वो पॉइंट्स मैंने उतार लिए। फिर मैं देखूंगी कि मुझे स्टार पॉइंट्स कौन से हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, जो सबसे इजी भी लगते हैं मुझे और जो मैं सबसे पहले कर सकती हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा 10 पेजेस मुझे आर्ट एंड कल्चर की बुक, 11th क्लास की बुक का फिनिश करना है, तो वो मैंने स्टार कर दिया। उसके बाद क्योंकि इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें मैंने लिखा कि मुझे NCERT की फला फला बुक पढ़नी है, फला फला बुक का 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैंने उसको स्टार कर दिया। उस तरह से आपकी जो प्रायोरिटी आपको लगती है कि 3 पॉइंट्स प्रायोरिटी के पॉइंट्स हैं, उनको आप स्टार कर लीजिए। आप सारे पॉइंट्स लिख लीजिए कि 5 पॉइंट करने के लिए, 5 पॉइंट्स GS1 की फिनिश करने के लिए जो सिलेबस में है, आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, एंड देन फर्स्ट 3 को आप स्टार कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं उसी दिन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, देन वो 3 पॉइंट्स आप करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप उसे करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो 3 टास्क फिनिश हो गए। अब 3 टास्क फिनिश हुए, फिर नेक्स्ट 3 टास्क रखिए, फिर नेक्स्ट 3 टास्क, और ऐसे करते करते आपका वो टारगेट उस डेट पर पूरा हो जाएगा। तो ये एक UPPSC टारगेट 2018 का एक फॉर्मेट है, वो आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। फिर आप एक और ऐप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, वंडरलिस्ट। आपको गूगल ऐप स्टोर में एंड्रॉयड ऐप है वो मिल जाएगा, और वहाँ पर आप अपने गोल्स सेट कर सकते हैं। गोल्स को सेट करने के साथ साथ आपको उसमें स्टार करने का ऑप्शन है, जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनको स्टार कर सकते हैं, जो फिनिश हो गए इनको डन कर सकते हैं। तो ये इजी ऐप है। अनदर थिंग यू कैन यूज़ इज़ अ प्लानर।
आप एक प्लानर खरीद सकते हैं जो कि एक हार्ड कॉपी में मिल जाएगा आपको किसी भी स्टोर से, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको आपके पास एक नोटबुक होगी जिसमें आपका डेली प्लानर होगा, उसमें आप अपने टॉप 3 गोल्स लिख सकते हैं, अपना टॉप शेड्यूल। जैसे मेरे सामने जो आप देख सकते हैं एक प्लानर है, देखिए गुड वाइब्स ओनली मैंने ये चूज़ किया है इसका कवर, तो इसलिए ये वाला कवर आई लाइक इट, तो मैंने ये ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक भी भेज सकती हूँ कि अमेज़ॉन से मैंने कहाँ से ख़रीदा है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है कौन सा डे है, देन टॉप 3 गोल्स हैं, नंबर 1, 2, 3 टिक भी करने का ऑप्शन है, फिर टुडे शेड्यूल है अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ तो शेड्यूल का भी मैं इसमें लिख सकती हूँ। इसके बाद टू डू लिस्ट है, इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, नोट्स हैं, फिर मील्स भी अगर आप पर्सनली इसको फिल करना चाहते हैं, मैं नहीं करती हूँ फिल इसे, एक्सरसाइज है, माय परफॉर्मेंस फॉर टुडे, आप अपना खुद का स्केल बना सकते हैं, गुड पुअर, गुड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट कर सकते हैं, पुअर गुड एक्सीलेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो मर्जी वो आप परफॉर्मेंस फॉर द डे में भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नोट्स है, फिर इंपॉर्टेंट कॉल, इंपॉर्टेंट मेल्स, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वर्किंग है, लेकिन हाँ जो नहीं भी है उनको भी एक प्लानर तो ज़रूर होना चाहिए उनके सामने, ताकि वो अगर मान लो उनको कुछ याद आता है कि अच्छा ये वाला चीज़ तो मैं इस बुक से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो वो वहाँ पर आप नोट कर लीजिए, एंड देन जब आप अपना जो आप पढ़ रहे हैं वो फिनिश करें तो उस नोट्स में जाइए, आप देखेंगे कि आपको ये पढ़ना है, आप उस टाइम वो पढ़ सकते हैं। तो एक रिटन उसमें एक प्लानर आपके सामने ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपकी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। एक एक पल इम्पॉर्टेंट है, एक एक मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आपको कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट प्लीज़ करिए, और देखते रहिए सक्सेस मंच। थैंक यू।